हेलो गाइस, वेलकम टू एसपी स्टडीज़। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स विच आर यूज इन काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। यहाँ पे उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, जैसे कि 1, 2, 3 इस तरह इनफाइनाइट तक का। यहाँ पे इनफाइनाइट तक का। और सेकेंड टॉपिक है होल नंबर। व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड विद द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स। जब इस ये नेचुरल नंबर में अगर हम इसमें जीरो इंक्लूड कर दें तो इसे हम कहते हैं होल नंबर। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर आल्सो होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए यहाँ पे जीरो होल नंबर जीरो, लेकिन इसमें नेचुरल में जीरो नहीं होता है। थर्ड अगर टॉपिक देखिए तो थर्ड है इंटीजर्स। व्हेन द नेगेटिव नंबर्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ द होल नंबर्स देन दे आर कॉल्ड इज इंटीजर्स। इंटीजर मतलब आपका हो गया ये नंबर लाइन है और आपका यहाँ पे जीरो होता है इधर राइट साइड में 1, 2, 3, 4 और 5 इसी तरह इनफाइनाइट तक। इधर -1, -2, -3 एंड -4, -5 इसी तरह इनफाइनाइट तक का। तो हम इस पूरे सेट को जो है इंटीजर्स बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर्स और उसके साथ में होल नंबर्स और ये नेचुरल नंबर, तो इसको इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। जीरो कैन नेवर बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो कभी भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट रेशनल नंबर। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 1/2, 1/3 इस तरह हम किसी भी तरह 0/6, 0/5 उसको लिख सकते हैं। पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। द सेट ऑफ अ रेशनल नंबर डिनोटेड बाई लेटर कैपिटल क्यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, एंड द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द पी वाई विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन द पी वाई क्यू फॉर्म और कॉल्ड इरेशनल नंबर। हियर आल्सो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए जैसे ये रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर आपको पता होंगे कि जैसे कि 0.152533 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है रिपीटिंग। फर्स्ट आपका रिपीटिंग होता है एंड सेकेंड आपका होता है नॉन रिपीटिंग। मतलब ऐसे नंबर्स जो रिपीट करते हैं, जैसे 0.353535 ये आपके रिपीट कर रहा है तो इसको रिपीटिंग बोलते हैं। एंड जो नंबर्स रिपीट नहीं करते हैं 0.12345 इसी तरह
ये रहते हैं, बट ये रिपीट नहीं करते, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल्स, और इसको नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।